आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विजयवर्धन पांडे। सबसे पहले जो हम लोग पेड़ों में कई बार देखते हैं कि जो पेड़ खराब हो जाते हैं उनके अंदर रॉट हो जाता है, तो बेसिकली तीन तरह के रॉट होते हैं। एक होता है ब्राउन रॉट। मैं कहूँगा थोड़ा कैमरे को जरा टूल दे आए। ये देखिए, ये ब्राउन क्यूबॉइडल रॉट हो गया है, क्यूबिड साइड के हैं, और ये इसके अंदर भूरा भूरा है कलर इसके अंदर, यानी इसका जो है सेलुलोज और हेमी सेलुलोज जो है अभी बचा हुआ है। लिग्निन ही, लिग्निन कलर क्या होता है, ब्राउन होता है, तो लिग्निन बचा हुआ है, तो इसमें क्या है, ब्राउन रॉट होता है। जब इसका ये जो भूरा कलर भी चला जाएगा तो ये व्हाइट फाइब्रस या रूई के समान हो जाएगा, तो वो जो फंगस कॉज करता है वो हो गया है, उसको बोलते हैं व्हाइट रॉट। और इसी तरह तीसरा रॉट क्या होता है, उसको बोलते हैं हार्ड रॉट। हार्ड यानी दो वुड होती है, सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड। तो जो बीज का एरिया होता है उसको बोलते हैं हार्ड वुड, बहुत मजबूत एरिया होता है। तो जब फंगस इसको बीज से खा देता है तो उसको बोलते हैं हम हार्ड रॉट। तो प्रकृति ने चीज़ों को बनाया है और उसको मिटाने का भी बता दें कैसे उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, कैसे नेचुरली डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये मिट्टी मिल जाएगा फिर को नया पेड़ आ जाएगा, लेकिन मानव क्या होता है, वो जानबूझ करके करता क्या है, पेड़ों काट देता है, नुकसान कर देता है और प्रकृति को प्रभावित करता है। तो इससे बचें, वृक्ष लगाएं और पर्यावरण को बचाएं।